आज हम बॉलीवुड से आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2023 में रिलीज होने वाली है। 2023 में बॉलीवुड से काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है, तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड से कौन कौन सी फिल्में 2023 में आने वाली है। वैसे इस लिस्ट में बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में शामिल हैं, तो प्लीज़ एक भी सेकेंड वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लाइक का बटन प्लस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। शुरू करते हैं। नंबर वन पे शहजादा। ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को रोहित धवन डायरेक्शन दिए हैं। इस फिल्म के लीड रोल में हम सभी को कार्तिक आर्यन और कृति सेनन दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन पहली बार धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म अल्ला वैकुंडा पुराम लू फिल्म की हिंदी रीमेक होने वाली है, जो फिल्म ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म बहुत ही अच्छी कलेक्शन करके दिखाई थी। तो क्या लगता है आप सभी को, शहजादा फिल्म अल्ला वैकुंठा पुरामलू जैसा धमाका कर पाएगी? आप सभी को लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में, हाँ या ना करके। ये फिल्म 10 फरवरी को आने वाली है थिएटर्स में और इस फिल्म का ट्रेलर 12 जनवरी को आने वाला है। नंबर टू पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र देवल जी, सबाना आजमी जी, जया बच्चन जी दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म को करण जौहर डायरेक्शन दिए हैं। लगभग 6 साल बाद करण जौहर की कोई फिल्म आ रही है। इनकी लास्ट फिल्म थी एज अ डायरेक्टर ए दिल मुश्किल, जो कि 2016 में आई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह रॉकी के रोल में नजर आएंगे और आलिया भट्ट इस फिल्म में रानी के रोल में नजर आने वाली हैं। ये फिल्म 28 अप्रैल को आने वाली है थिएटर में। ये फिल्म को करण जौहर ही प्रोड्यूस किए हैं और ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। नंबर 3 पे मैदान। ये फिल्म अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म का सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं काफी सालों से। ये फिल्म एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होगी जिस फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का रोल प्ले करेंगे। इनके साथ इस फिल्म में प्रिया मणि दिखाई देने वाली हैं, जो कि इस फिल्म में इनके वाइफ का रोल प्ले करने वाली हैं। इस फिल्म को अमित शर्मा डायरेक्शन दिए हैं, जो कि इससे पहले बधाई हो जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म को बना चुके हैं। ये फिल्म पहले 17 फरवरी को आने वाली थी, लेकिन अभी ये फिल्म 12 मई को आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म 12 मई को अब आने वाली है। मैदान अजय देवगन की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म साबित होने वाली है, ऐसा अजय देवगन और प्रोड्यूसर बोनी कपूर कह चुके हैं। तो देखते हैं ये फिल्म कितनी अच्छी होती है। नंबर 4 पे जवान। जवान फिल्म बॉलीवुड की आने वाली मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म में हमको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म को एटली कुमार डायरेक्शन दिए हैं, जो कि थैरी, मर्सल और बिगिल जैसी सुपर हिट और मास मसाला फिल्मों को बना चुके हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान पहली बार फैन फिल्म के बाद डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। इतना कुछ किया आपके लिए और आप? तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन? तुम नहीं हो मेरे फैन। ये फिल्म में SRK के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और योगी बाबू जैसे कमाल के एक्टर दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान काफ़ी दमदार और खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आएंगे और विजय सेतुपति इस फिल्म में विलन के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 2 जून को आने वाली है। नंबर 5 पे योद्धा। ये फिल्म में बॉलीवुड की आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को पुष्कर ओझा और सागर आमरे मिलकर डायरेक्शन दिए हैं। वैसे इस बड़ी एक्शन फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना दिखाई देने वाली हैं लीड रोल्स में। शेरशाह जैसी बेहतरीन फिल्म के बाद सभी इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से सोल्जर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी एरोप्लेन हाईजैकिंग पर बेस्ड होने वाली है और ये फिल्म 7 जुलाई को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर 6 पे एनिमल। ये फिल्म भी बॉलीवुड की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है और भाई साहब रणवीर कपूर का फर्स्ट लुक देखने के बाद सभी इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं। आप सभी लोग इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, लिखकर बताओ कमेंट सेक्शन में। ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिस फिल्म में वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एनिमल फिल्म में रणवीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल और काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में रणवीर कपूर एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देने वाले हैं, जिनका कमाल का लुक आप सभी लोग देख सकते हो। और बॉबी देओल इस फिल्म में एक विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को आने वाली है। नंबर
नंबर 7 पे गदर 2। गदर 2 2023 में आने वाली एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 2001 की सबसे बड़ी हिट फिल्म गदर फिल्म का सीक्वल होने वाली है। जो फिल्म ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये फिल्म 18 करोड़ के बजट पर बनने के बाद 133 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को मैंने पार्ट 1 में ऐड किया था, लेकिन इस बड़ी फिल्म को मैंने पार्ट 2 में फिर से ऐड इसीलिए किया क्योंकि इस बड़ी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। ये मच अवेटेड फिल्म 11 अगस्त 2023 को आने वाली है और एनिमल फिल्म भी 11 अगस्त 2023 को आने वाली है। तो आप सभी लोग दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो? आप सभी को वोट करना है एनिमल या गदर 2। दोनों फिल्मों में से आप लोग किस फिल्म को देखना चाहोगे आप सभी को लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में। गदर 2 फिल्म में हम सभी को सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्शन दिए हैं जो कि गदर फिल्म को भी अपना बेहतरीन डायरेक्शन दिए थे। नंबर 8 पे टाइगर 3। ये फिल्म बॉलीवुड की आने वाली सबसे मच अवेटेड एक्शन पैक फिल्म है और ये आप सबको बताएं ये फिल्म टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म होने वाली है। इस बड़ी फिल्म के लीड रोल्स में हमेशा की तरह सलमान खान और कैटरीना कैफ दिखाई देंगी और इमरान हाशमी इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म में शाहरुख खान भी दिखाई देंगे पठान के रोल में। इस फिल्म में SRK का एक्सटेंडेड कैमियो रोल होने वाला है। इस फिल्म को फैन फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा अपना डायरेक्शन दिए हैं। ये फिल्म 2023 के दिवाली के मौके पर आने वाली है और ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में आने वाली है। चेकमेट। आईबी एजेंट्स दिमाग में चेस खेलते हैं, सब कुछ दिमाग में होता है। नंबर 9 पे IB71। ये फिल्म विधु चौमल की आने वाली मच अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर संकल्प रेड्डी अपना बेहतरीन डायरेक्शन दिए हैं। इस फिल्म में विधु चौमल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में विधु चौमल भारी एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। ये फिल्म 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के ट्रू स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म में विधु चौमल के अलावा अनुपम खेर, विशाल जेठवा और दलीप दयाल जैसे एक्टर दिखाई देंगे। इस फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और ये फिल्म 2023 में ही आने वाली है। ये फिल्म थिएटर्स में आने वाली है। नंबर 10 प्लेस पे है तेहरान। ये फिल्म जॉन अब्राहम की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में जॉन अब्राहम जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को अरुण गोपालन डायरेक्शन दिए हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ मानुषी चिल्लर लीड रोल्स में दिखाई देने वाली है। ये फिल्म पहले 26 जनवरी 2023 को आने वाली थी, लेकिन अभी ये फिल्म 2023 में आने वाली है। डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म को 2023 में ही रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म की भी शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये थी बॉलीवुड से आने वाली 10 बड़ी फिल्में जो कि 2023 में रिलीज होने वाली है। तो आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। आप लोग किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और इसका पार्ट 3 भी आने वाला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। शुक्रिया।